और वो लोगों को खदशा था कि ये तो उसी कर रहे हैं मतलब, तो उसके ऊपर हमला हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पुलिस की नफरी रिप्लाई थी यहाँ पे की, लेकिन वो चूंकि बहुत बहुत ज्यादा था जानी नुकसान से बचने के लिए पुलिस ने एक प्रोग्राम लिया अपना ही, इस तरीके से ज्यादा नुकसान से बचे जाते हैं। की सरजमीन पर डिस्ट्रिक्ट करक में, जहां हमारे पूजनीय मोहतरम गुरुओं की समाधियां हैं और वहां पर एक कदीम तारीखी हमारा हिंदू मंदिर है जिसको एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारे वहां के रिहायशी हैं उन्होंने उसे न सिर्फ एक नजरियातिश किया बल्कि उसकी तोड़ फोड़ की, जिससे हमारे मजहबी जज्बात इंतहाई मजरूह हुए। और हम समझते हैं कि ऐसे जो वाकियात हैं वो पाकिस्तान में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी जो गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान में मजहबी सियाहत को फ़रोग मिले, तो मैं समझता हूँ कि उसके दरमियान भी एक बहुत बड़ी रुकावट की एक मिसाल कायम कर दी गई है। और उसके बाद इंटरफेथ एंड हारमनी की मिनिस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तान में जो जारी बैनुल वज़ाइह आहंगी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसको तहतीस कर दिया गया है। और न जाने क्या वजूहात हैं कि कई दहाइयों से पाकिस्तान में ये जो जारी जो मजहबी जज्बात हमारे मजरूह करने का जो सिलसिला है उसकी रोकथाम ना हो सकी। ये सिंध से चलते हुए वाक़ियात हैं, आए दिन हमारे मंदिरों में तोड़ फोड़ की जाती है, जराइम पेशा अफराद हैं या जिन्होंने ये मुजरमाना जो एक्शन किया है उनके खिलाफ जो है कम अज़ कम एटलीस्ट एक बार तो अपना कोई अमली कदम उठा कर हमें बताएगी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हमारे लिए यहाँ आए दिन पैदा हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। तो रिलीजियस फ्रीडम को अशोर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत कोई संजीदा अपना एक्शन लेगी।